नमस्कार मैं हिमानी, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस समय मैं हूँ बस स्टैंड के नीचे। वी मार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट आपने देखा होगा, यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ बैम्बो शॉप्स बनाई गई है। कुछ समय पहले हमने यहाँ पे खबर की थी, स्टोरी की थी, जहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बैम्बो शॉप्स बनाई गई है, मगर ना ही किसी को अलॉट की गई थी और ना ही ये कभी ओपन की गई थी। मगर हाँ, इतना जरूर था यहाँ की खिड़कियाँ टूटी थी, दरवाजे टूटे थे, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव विजुअल्स यहाँ बताए थे। मगर आज जो है खबर का है, कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। यहाँ पे जो खिड़की है वो नहीं लगा दी गई है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर दरवाजे जो है वो भी चेंज किए गए, जो जो दरवाजे टूटे थे जिस टाइम हमने आपको अपनी खबर में बताया था, वो दरवाजे भी है जो नए लगाए गए। खिड़की आप देख सकते हैं कि पुरानी खिड़की ये थी और नई खिड़की ये लगाई है। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमने खबर की थी, हमने आपको लाइव विजुअल्स यहाँ पे बताए थे, कहीं ना कहीं उस खबर का जो है असर देखने को आज मिला है। जो स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे बैम्बो शॉप्स बनाई गई थी और इसका गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा था, खिड़की दरवाजे जो टूटे थे तो लोग अंदर जाके, हमने आपको लाइव विजुअल्स में बताया था अंदर के हालात, अंदर के दृश्य क्या थे कि लोग अंदर जाके सिगरेट पीते थे या शराब की बोतलें देखने को मिली थी, क्या हालात अंदर के थे। मगर आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमने खबर की थी उसके तहत जो है खिड़की दरवाजे इवन के लॉक वगैरह भी, सब जो ताले टूटे थे वो भी जो है आज ठीक हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जो सब कुछ ठीक ठाक किया गया। मगर सवाल आज भी हमारा एक ही है म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर ये आपने बैम्बो शॉप्स बनाई थी, इसे काफी लंबा समय हो गया बनाए हुए, तो ये पहले भी टूटी फिर दोबारा ठीक की, आज भी दोबारा ठीक करके आज भी ये बंद क्यों है, इन पे ताले क्यों लगे। अगर ये दुकानें अलॉट करने के लिए रखी गई है कि यहाँ पे कोई भी काम करे, उनका रोजगार चले, तो ये अलॉटमेंट क्यों नहीं की गई अभी तक लोगों को। यहाँ एक दुकान नहीं है या एक शॉप कहें, एक बैम्बो शॉप नहीं है, यहाँ पे आठ है, तो आठ में से एक भी जो अभी तक ओपन नहीं किया। अगर अंदर की बात करें, अंदर की गंदगी तो आपने साफ कर दी। स्मार्ट सिटी के तहत अगर बात करें, बस स्टैंड से ये मेन मार्केट का रास्ता आप देख सकते हैं, बाहर के टूरिस्ट भी आते जाते हैं और यहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे, इतनी ज्यादा स्मेल है, कहने की बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, इतनी ज्यादा यहाँ पे स्मेल है। तो अगर यहाँ पे ये बैम्बो शॉप ओपन हुई होती, अलॉटमेंट की होती, आज कहीं ना कहीं बाहर की जो गंदगी है ना वो साफ होती। जो इतना ज्यादा बाहर यहाँ गंद है, दुकानें अगर ओपन होती तो बाहर की गंदगी जो है देखने को नहीं मिलती। अगर आम पब्लिक का बंदा भी यहाँ नॉर्मल खड़ा होगा तो यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल है। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपैलिटी से यही अपील करूंगी, अगर आप लोगों ने ये बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है तो इन्हें जो अलॉटमेंट है जल्द से जल्द की जाए, ताकि बाहर की गंदगी है जो साफ हो पाए। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ के दृश्य, देख सकते हैं इस समय यहाँ के दृश्य आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे गंदगी, क्या हालात है यहाँ के, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आप ये दुकानें खोलते हैं, किसी को अलॉट करते हैं, किसी ना किसी की रोजी रोटी भी चली गई और बाहर की गंदगी है वो भी जो साफ होगी, तो जनता जो है अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा और जानकारी और अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहे। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ मैं ही मानी, धन्यवाद।